अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। अभी हम लोग को पता मिल गया ना, हम लोग को मालूम है ना वसंत घोटाला उस घर में है, तो वसंत घोटाला को उस घर से बाहर कैसे निकालेगा ये सोचो। मैं तुम बाहर आओगी या मैं ही? थैंक यू। नो प्रॉब्लम। वर्षा और शरद ने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो ये जालंधर भाई मेरा जरूर कुछ ना कुछ कर देगा। सब लोग ध्यान से सुनो, हम डॉन के घर पे भेष बदल कर जाएंगे। पापा, आप शादी में फूड सप्लाई करने वाले कैटरर बनेंगे। रॉनी भैया, आप और हेमंत फ्लावर डेकोरेटर्स बन के जाएंगे। और भद्रेश भैया, आप पंडित। समझ गए आप लोग? ए मानव, मैं तेरे को ना एक वो अपनी बीवी का भाई को क्या बोलता है? साला। हाँ, मैं तेरे को एक साला देने को मांगता है। ओ झालर, सलाह होता है, सलाह 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 का साला किया तूने? तुम समझा ना? देखो मानव, मेरे को है ना वो फ्लावर डेकोरेशन नहीं आता है, मैंने कभी किया नहीं है। ऊपर से मेरे साथ हेमंत भी है, मैं कुछ और कर सकता है, जैसे कि डांसिंग। हाँ बेटा, और खाने पीने के चक्कर में मैं क्या जानू। हाँ, इन बेचारे भुखड़ी बारस को तो खाना कैसे खाते है वही मालूम, बाकी कुछ नहीं मालूम है ना। मानो, तुझे मालूम है ना मैंने और रोनी ने वो कितना मस्त डांस किया था, रेखा और अमिताभ वाला। एक मिनट, उठ उठ। तो अब मैं और रोनी डांस कर लेंगे, सेम मजा आएगा। नहीं मानो भैया, इन सब का डांस कैंसिल, मेरे पापा की शादी है तो डांस भी मैं ही करूंगा। ये ऋतिक रोशन ऐसे डांस करता है, ये ऐसे टिनिंग निनिंग 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 निनिंग। अरे ऋतिक रोशन ऐसे नाचता है, टिनिंग निनिंग 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 निनिंग, ये टिनिंग निनिंग है। ना ना रोनी, ईस्ट और वेस्ट, हमारी घूमर इज द बेस्ट। देखा नहीं ऋतिक रोशन? अरे ये सनी देओल है, ऋतिक रोशन नहीं है। ना ना, मारा घूमर। अरे तुम्हारा घूमर कितनी बार, 22 साल से यही कर रहे हो। मारा घूमर। वसंत भैया को डॉन के चंगुल से बचाना है और छुड़ाकर वापस यहाँ लाना है, समझ गए आप लोग? ठीक है भाई, तू जैसा बोल रहा है हम वैसा ही करेंगे। एक मिनट है उज्जैन सर, तू क्या करने वाला है? भद्रेश भैया, मैं जाऊंगा असली कनिष्का को ढूंढने। भाई वो कौन है लोग? जी हम लोग सूर्य प्रकाश विवाह संचालन संस्था से आए हैं, हमें शरद घोटाला ने बुलाया है। बताइए मिस्टर शरद घोटाला कौन है? वर्षा भाभी, आपको पता नहीं है कि शरद कौन है? हमें कैसे पता होगा भैरो? हमारी तो फोन पे बात हुई थी ना, कल फोन पे बात हुई थी शरद से। हाँ, और हमें फोन पे थोड़ी ना दिख रहा था कि ये जो सीढ़ियों से भाई साहब आ रहे हैं वो शरद घोटाला है जिनसे फोन पे बात हुई थी।
तो अभी कैसे पता चला कि ये शरद घोटाला है? वो शरद ने फोन पे बताया था ना कि वो एकदम हैंडसम, गोरा, चिट्टा, एकदम चिकना है। और वो तो आप हो नहीं सकते भाई साहब। और बाकी बचे ये सब तो आप ही तय कर लीजिए कि चिकना, सुंदर, इसके अलावा और कौन हो सकता है? अरे यही तो होगा ना, नेचुरली। नेचुरली। हाँ। अच्छा अच्छा, आप लोग शोर ना करें, ताली ना बजाएं, हम सुना देते हैं। हम यहाँ आए हैं महफिल सजाने, दो दूल्हों की शादी में बाजा बजाने। इससे पहले कि बसंत को पतझड़ लग जाए, हम आए हैं उसकी इज्जत बचाने। क्या बात है? अद्भुत। काम लिखे थे, लेकिन ये पेशकश अद्भुत है। वाह, क्या बकवास शायरी है। थैंक यू। लेकिन हम दोबारा नहीं सुना सकते क्या? बहुत काम है ना भैया। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि डांकी कहाँ करना है और कब करना है? डांकी DANCE डांकी, स्कूल नहीं गए क्या? मैं नहीं बोला इन लोगों को। चलिए चलिए, संगीत संध्या इस तरफ है। हाँ, आई। ऊपर के कमरे में हल्ला है ना, हम मौका देख के वसंत भाई से मिलकर आते हैं और उन्हें भगा के ले जाते हैं वेलम वैली तक के। वो हमारे गुजराती में ना, ऐसे जल्दी से जल्दी लेके जा। मैं बाद में, आंटी भावना प्लीज बाद में। एक्सक्यूज मी। ओ आंटी, है ना तुझे बुला रहे हैं। भैरवी मैं आंटी हूँ। आज तो मेरा प्रीतेश तुझे आंटी कह के ही तो बुलाता है। ओ हेलो, दीपिका पादुकोण जैसी दिखने वाली बहन जी। हाँ जी, बोलिए ना। उन्होंने दीपिका पादुकोण जैसी दिखने वाली बोला, आप क्या बोलिए ना बोल रही हैं। संगीत संध्या शुरू होने से पहले तुम में से कोई है जो जाके दुल्हन का मेकअप कर दे? हाँ जी हाँ जी, मैं हूँ ना। मैं ऐसा भयानक दिखने वाली डायन को भी बलखाती दुल्हन में बदल सकती हूँ। कहाँ बाबा? हाँ बा। कहाँ है दुल्हन? ऊपर। कनु, ये तुम्हारे लिए। तुम तैयार हो रही हो ना? और कोई चारा है मेरे पास? है ना, अभी भी राहुल की जगह और कोई ले सकता है। अच्छा, कौन? मैं। ओहो, कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? ऑप्शन? कैसी बातें कर रही हो कनु? डॉन जी मर गए। भावना आंटी के सामने मैं ऐसी कनिष्का बना रहा तो वो जरूर पूछेगी कि घोटाला भाई कहाँ है। भाग वसंत भाग। डॉन जी कहाँ हैं आप? इधर इधर इधर। जी जी, दुल्हा का है? I mean, दुल्हन, अरे जिसे तैयार करना है वो कहाँ है? ओ मोटी आंटी, सुनिए, मैं यहाँ आई हूँ जब से मैंने पानी पिया है। नहीं, चिवड़े का बुकड़ा मारा, ऐसा काजू का एक का टुकड़ा, ऐसा कुछ खाया क्या? नहीं, मैंने दिया ही नहीं।
तो फिर तो मैं जितनी भी मोटी हूँ अपने घर का खाके हुई हूँ ना, आपके पेट में क्यों बढ़ोतरा हो रही है? क्या हो रही है? वो हमारे गुजराती में ना ऐसे जलन होती है ना, तो उसको बढ़ोतरा कहते हैं। मींस के साड़ी और बाकी सामान यहाँ है, दुल्हन को तैयार करो। हाँ हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो मैं पूरा काम तमाम कर दूंगी। कनु चाहिए ना? चाहिए, अच्छा जाइए चाहिए। बसंत भाई, ये घोटाला भाई कहाँ है आप? वाह वाह वाह, क्या बात है, जचता है एड्रेस आप पे, मस्त लग रहे एकदम। कैसे बाल बने हो आपके? वो डॉन का भाई ऐसे आपकी मांग भरेगा तो बीच में से मांग निकालो। मांग मत निकालिए प्लीज, आप मुझे यहाँ से निकालिए प्लीज। इसीलिए तो आए हम सब यहाँ पर। एक काम करती हूँ, मैं डॉन को नीचे नाच गाने में उलझा के रखती हूँ। हाँ। और मैं वो बाबा चंद्रा बने ना, उसको ऊपर भेजती हूँ, आप उसके साथ रफू चक्कर हो जाए। यहाँ आती वो शुरू हो जाएगा। शादी की साड़ी में दूल्हे राजा सजे थे, दूल्हे की शक्ल पर 12 बजे थे, कुर्ते की जगह पहने दूल्हे ने चोली, वर्षा के घर से निकली वसंत की डोली। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। नहीं चाहिए, आप कुछ भी कीजिए, वर्षा को यहाँ भेजिए प्लीज। ठीक है ठीक है, आप भेजती हूँ, चिंता मत कीजिए, भेजती भेजती हूँ। से भाग जाऊंगा, लेकिन शरद का क्या होगा? अकालग्रस्त देश के किस्मत के मारे इंसान, वहाँ शादी में आपको मेहमानों को खाना सर्व करना है, खुद नहीं खाना है। हाँ हाँ बद्रेश, पर कौन सी कुल्फी का स्वाद कैसा है ये तो चेक करना पड़ेगा ना चक्के। काका मुरली, आप शबरी हो और ये कुल्फी जो है वो क्या बेर है जो ऐसे एक एक करके ऐसे चक चक के चक कर रहे हो? क्या टाइप की है तो कौन सी कुल्फी बेहतर है वो तो पता करना पड़ेगा ना। बरोबर, मैं आपकी मदद करता हूँ, लाइए मुझे चखाइए। लाइए चखना ले। ए बद्रेश, बद्रेश वो अपना शादी में चोकरा चोकरी का वो ऐसा वो आता ही अटका अटकुरा। अरे एक मिनट मैन, वो शादी का टाइम पे चोकरा चोकरी का वो कम अगेन को हिंदी में कैसे बोलेगा? कम अगेन इटले आपडो फिर से आ फिरा। हाँ, वो छोकरा छोकरी का शादी का फीरा का टाइम पे ओ हलर,
फेरा फेरा होता है, फेरा का फिरा नहीं चलता है। तुम समझा ना, वो छोकरा छोकरी का शादी का फिरा का टाइम पे मेरे को फूल मारने को बोला है? मारने को मांगता है इतले? अरे भाई वहां हमें दंगा फसाद नहीं करना है, शादी के मंडप में ऐसे प्यार से फूल बरसाते हैं ऐसे। हाँ लेकिन कौन सा फूल? वो हेमंत बोला कि गंदा फूल मारने को मांगता है। गंदा फूल है? वो हेमंत मेरे को बोला गंदा फूल लेके आओ, गंदा फूल। अरे वो झालर गेंदा फूल बोला होगा, गेंदा फूल। अरे तूने पूछ के वो लंबे घोटाले से पूछा यार। अरे मैं क्या करता मैन, उसको साइड पे बिठाया तो रोने को शुरू हो गया। और बाद में आप मेरे को कुछ काम ही करने को नहीं देता है ऐसा बोला। तो तू एक काम कर, उस झालर को किसी दूसरे काम में लगा और तू गुलाब की या जासमीन की पंखुड़ियां लेकर आ। ला पाया तो, नहीं तो बराबर है। अभी बस अवे, अभी सुनो क्या करना है। अभी सुनो क्या था कुल्फी में? मेरी तबीयत खराब हो गई तो देख लेना, मुझे पंडित बनना है। और ये भद्रेश के हुआ? भद्रेश तू ऐसा लड़का आया क्यों? तू लड़का आया? ओ झालर लड़खड़ाया। तू हिंदी रहने देना, तू मेरा हिंदी सुधार रहा है, इसको चेक करो मैन। ए भद्रेश क्या हुआ? भद्रेश नहीं जा रहा है। अरे इसका सर तो हमारे राजस्थान के रेगिस्तान से भी गर्म है, ये पंडित कैसे बनेगा? बन जाऊंगा काका मुरली, किसी भी तरह बन जाऊंगा, सेम हो जाएगा। लगता है मेरे को ही डबल रोल करने को पड़ेगा। लगता है हमारे जैसे प्रतिभाशाली सुपर मॉडल को डबल रोल करना पड़ेगा। माँ माँ, मैं तो भूल ही गया था कि माँ तो चाची के यहाँ गई है। पापा पापा पापा, मम्मी खाना ठूसा हुआ होता है तो भी कई बार जवाब नहीं देते। पापा ये 2,00,000 रुपए किसके पड़े हैं? पापा भावना काकी के घर से अखबार लाया हूं, ये देखो। ये सुन के तो जरूर आ जाते, आई थिंक सच में घर में कोई नहीं। गीजी देके पुलु काबा मानव ओझा। अब सुनो, एक व्यक्ति को ढूंढ निकालना है, उसका नाम है कनिष्का अरोड़ा। उसकी फोटो मैंने अपलोड कर दी, करेक्ट, ये वही लड़की है जो गुमशुदा हो गई थी और अब पाई गई है। इसका अता पता ढूंढ निकालना है। न्यूज में जो आ रहा है वो गलत है, वो कनिष्का अरोड़ा नहीं, वो कोई और है। और वो कौन है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, फिलहाल तुम अपने सारे पावर्स को काम पे लगा दो। सैटेलाइट के जरिए ट्रैक करो उसे, हमारे तमाम लोगों को, तमाम एजेंट्स को, सबको फैला दो। कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे कनिष्का अरोड़ा को ढूंढ निकालना है। हम काम शुरू कर देंगे मिस्टर ओझा, लेकिन आप इतना यकीन से कैसे कह सकते कि वो जो है वो कनिष्का अरोड़ा नहीं है? आपका सवाल सही है, और मैं इतने यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो कौन है मैं जानता हूँ।